So this time now when he fell ill, he was, I knew like something is not good this time. तो मुझे वो वाली फीलिंग आ गई थी कि आई थिंक दिस टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं इतनी नहीं हिली थी कोविड के उसमें जितना मेरे फादर के उस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा ट्रॉमा में आ गई थी. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ डिप्रेशन. आई हैड सुसाइडल थॉट्स. द ओनली थिंग सेव्ड मी वॉज द लव ऑफ माई फैमिली आई बिलीव, बिकॉज आई यूज टू फील लाइक इट विल जस्ट टेक सेकेंड्स फॉर मी टू डू एनीथिंग हार्मफुल टू मी. दैट टाइम दैट वॉज आई थिंक माई कोविड वॉज वेन आई केम आउट ऑफ बिग बॉस. Not during the COVID, I was struggling or juggling with anything. I was just living a very happy life. That coming out of Big Boss, November 28th, I came out of Big Boss 2020. 27 December, my father met with an accident, and after that, for 1.5 years. Oh my God, what a period. मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया था. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स. आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई हैव विद मी समवन स्पेशल जिन्होंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स से एक बार सेट कर दिया है इंडियन टेलीविजन पे. यस, शी इज नन अदर देन पवित्र पुनिया. पवित्र, वेलकम टू ई टाइम्स. थैंक यू सो मच. मैंने जब भी आपसे बात की है आई हैव ऑलवेज हर्ड, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं, हर बच्चा अपने माँ बाप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. वो हमेशा एक रिस्पेक्ट और एक आदर से ही उनके बारे में बात करते हैं. और जब भी मैंने आपसे बात की अपने अपने डैडी के बारे में, अपने इतने चाव से हर सारी बातें बताई हैं. यू नो, हाउ वाज दैट फेस टू सी हिम गोइंग एंड यू नो डीलिंग विद दैट लॉस? वॉइड तो रह गया है. ओह गॉड, प्लीज डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट. यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. वाओ, वही है मेरे लिए ना थोड़ा सा. आई जस्ट ऑलवेज सी हिज फेस. क्योंकि लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, मुझे याद है ही वाज अनवेल. या आई रिमेम्बर. सो दिस टाइम ना व्हेन ही फेल इल, ही वाज, आई न्यू लाइक समथिंग इज नॉट गुड दिस टाइम. तो मुझे वो वाली फीलिंग आ गई थी कि आई थिंक दिस टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट. दिस टाइम आई न्यू फॉर सम रीजंस दैट it is a difficult time. Then as I said, I believe in astrology a lot. So I have asked few of the people I have consulted. They said that there is a time period that he needs to pass. If he'll be able to pass it, then everything will be fine. And for some reason medically also cheeze waisi hoti ja rahi thi ki aisa lag raha tha cheez haath se nikal rahi hai. When I was in 8th standard, so from 8th standard till 10th standard of mine, my father, because he was in Delhi police, उनकी posting ऐसे ऐसे police stations में होती थी Delhi में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े police stations. Connaught Place में there is a place called Malkhana, Mohrar करके there is a station, police station. वहाँ पे जितने भी VIP, VVIP cases होते हैं वो होते हैं. वहाँ पे जब्त किया हुआ पूरा सामान होता है. सो कई बार डैडी के पास ऐसे केसेस होते थे जिसके अंदर उनको फाइल लिखनी पड़ती थी. तो देयर इज अ क्राइटेरिया, जैसे यू गाइस हैव डिफरेंट रूल्स ऑफ वर्किंग एंड मस्ट बी अ पेपर वर्क आल्सो दैट यू हैव टू राइट. सो वो फाइल्स लिखते थे ऐसे केस फाइल इधर से उधर. एंड ही यूज्ड टू गेट सो टायर्ड इन द नाइट, सो ही यूज्ड टू आस्क मी के तू लिखेगी क्या? तो मुझे नींद से जगाते थे. एंड आई हैव ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, तो मेरे को उठाती थी, जो मैं लिखती थी तो कई बार ब्लड में ऐसे पेपर चिपके होते थे. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक डैडी तो खून है. बोले हाँ, तो उसको मत देख, तो लिखते. सो तब से उन्होंने मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग किया हुआ था. सो जितने भी इवन उनकी कई बार ऐसे होता था कि मेरी एक एप्लीकेशन लिख दे जल्दी से, मैं बिजी हूँ, तो जितना पेपर वर्क होता था ना वो मुझसे कराते थे. बिकॉज मेरे माई ब्रदर्स हैंड राइटिंग इज लाइक कीड़े मकोड़े. वो लिख तो हम ऐसे हो जाती क्या लिखा है भाई तूने. हाँ, डॉक्टर तो बहुत अच्छा लिखता है. अच्छा भाई, ये ए नहीं दिखाई दे रहा, ये ओ है. तो वैसे वाला तो ही यूज्ड टू बी लाइक यार इसको लिखना नहीं आता प्रॉपरली, तू लिख, इसका समझ नहीं आएगा. तो मैं लिखती थी. अभी जब वो गए ना, मतलब ये मेरा उनका रिश्ता था
the paperwork. Mm. Paperwork was one thing that connected me and my father a lot. We bonded a lot on papers, writing. As I said, I learned writing from my father. When he went away, my brother was there. For 4 days, I couldn't cry, and my mother was literally telling me, "Beta, tu ro le, kyunki tujhko kuch ho jayega, bimariyan lag jayengi." There is a saying that if you don't cry, there are diseases that take over your body then, because you get into depression, stress, anxieties, palpitation things, heart problems, BP problems. So my mother used to make me count during that time. She's crying, but she's at the same time worried for me ki tu ro le, tu ro. And then she used to remind me of the things, tere ko yaad hai, tere daddy aise karte the tere liye, tujhe yaad hai aise kar, so that I cry, and used to be like, haan haan sab yaad hai. And that time the only thing used to get into my head was, I have to just make my mother and my brother reach the village where my whole khandan is there, and they can take care of them. Kyunki abhi agar main bikhri na, to my mother is unko sambhalne wala. Yes, because losing a husband is the biggest thing. Humne to bacche hone ke baad hume aisa feel hota hai, hum to baad mein aaye, but my mother spent 24/7 with him. 38 years of her life. Hum nahi samajh payenge shayad जो उनको फील होता होगा. असली कमी तो उनको महसूस उनको महसूस हम तो अपने काम में फिर भी बिजी हो जाएंगे. शी स्टिल सेज तेरे डैडी वापस आएंगे क्या कभी, क्या पता कोई और जन्म लेके आ जाए. अच्छा अगर तेरे भाई की शादी हुई तो वैसे उसका बेटा बन के आ गए तो. शी कीप्स ऑन टॉकिंग दैट. सो देन जब डैडी गए तो माई ब्रदर वॉज ऑल्सो देयर. विजय, imagine my brother couldn't go to the police stations and the hospitals. Body uthne se leke hospital pahunchane tak for the postmortem, because he was a Delhi police officer. Bina postmortem ke Bombay se hum body bahar nahi leke ja sakte. Okay. Force ka aadmi hai, so there are some rules and regulations that you need to follow. And the death happened at home, so we had to do post-mortem. Mein baithe hue bahar se unko ambulance mein leke jana, se panchnama, statements, doctors ke saath signatures, he made me do every paperwork the way he used to ask me to do. Just remember कि आप जाते-जाते भी मेरे से सारा पेपरवर्क करा के गए हो। तो वो दिखाना चाहते थे ना कि रिश्ता बचपना, आपका बचपन कैसा गुजरा था उनके साथ। So हमारे यहाँ पे तो मैं पता है लड़कियाँ नहीं जाती ना। नहीं जानती हाँ। But I went. I was just begging all the male members of the family, please last time देख लेने देना उनको। So they said कि नहीं वो जाना चाह रही है तो उसको जाने दो, रुकेगा नहीं कोई। So पवित्रा, you know, अभी आप काम कर रहे हो, काफी वेब शोज प्लान में है, you know, आपने कहा फिल्म भी साइन की है आपने, तो ये कह सकते हैं कि ये न्यू बिगनिंग है पवित्रा पुनिया के लिए? Yeah, it is a new beginning for me. I think I feel I have just started. Yeah, I would say I have just started. तो वो एनर्जी है, वो एनर्जी, आई फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट 24/7. मुझे ना ऐसे रहता है व्हेन देयर इज अ मीटिंग कॉल के आज आप मिलेंगे क्या नरेशन के लिए, तो आई फील सो गुड. और मुझे ऐसे लगता है कौन सी हील्स पहनूँ, कौन सा ये पहनूँ, जैसे कभी स्ट्रगलिंग डेज में, यू नो, स्ट्रगल तो हाल तो मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर के ये खा लो, तो ये लोगे क्या, ये करोगे क्या. And things were just happening in my life one by one. But this time, for the first time, I feel a newcomer. Excitement. The same nervousness. Hoga ke nahi hoga.
which I never felt. So I am very hopeful and I know अगर ये मेरा struggling time शुरू हुआ है अभी so और मैंने इतने साल industry में देख के अपना एक नाम बनाया है तो अभी मैं struggle करके और कितनी मेहनत करके कितना नाम बनाऊंगी. So I think my time has just started baby. बट वो लॉकडाउन का फेज कैसा था पवित्रा, जब यू नो कॉस्ट कटिंग हो रही थी, एक्टर्स को बोला जा रहा था कि पेमेंट में कमी लो, ऑफर्स भी बहुत कम आ रहे थे और ऑडिशंस घर से शूट करके भेजना पड़ रहा था. आई थिंक दैट वो तो खैर उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन एक्टर्स को बोला जा रहा था कि अपने सैलरी में कट्स लो और ऊपर से ऑफर्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे. उस टाइम अपने पेशेंस कैसे रखा, उस टाइम अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा कि फॉर द यार मैंने कभी ऑडिशंस तो नहीं दिए टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे लुक टेस्ट हुए डायरेक्ट कि हमें आप पसंद हो तो आप आके सिर्फ लुक टेस्ट कर दो. आई रिमेम्बर दे डिड नॉट कट डाउन माई पेमेंट बट देन दे आस्क्ड मी कि आप बिकॉज दैट टाइम आई वॉज डूइंग बालवीर सो दे रिक्वेस्टेड कि आपका सिर्फ हम एक हफ्ते का पेमेंट रख सकते हैं क्या. नाउ सीइंग द इमरजेंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड आई नो दैट आई ऑल्सो फेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिकॉज आफ्टर दिस आई डोंट हैव एंड बिफोर दैट आई कैन नॉट टच माई सेविंग्स. सेविंग्स एज सच दैट देर आर फ्यू सेविंग्स दैट आर यू कैन कीप दम ऑन रोल एंड दे आर सेविंग्स यू कैन नॉट टच बिकॉज दैट इज योर एसेट. नाउ यू कैन नॉट सेल योर एसेट एंड और ईट समथिंग. राइट ट्रू. I couldn't do anything and I know those 7 days उन 7 दिनों ने मेरा पूरा बजट हिला दिया था. बट यू नो वो एमरजेंसी और वो लॉकडाउन का पीरियड इतना भी डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज जस्ट बिकॉज बाय देन 27 December माई फादर फेल वेन ही मेट विद द एक्सीडेंट एंड हिज लोअर बॉडी गॉट पैरालाइज्ड. तब मैं इतनी नहीं हिली थी कोविड के उसमें जितना मेरे फादर के उस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा ट्रॉमा में आ गई थी. बिकॉज फॉर मी आई हैव अ थिंग मेरे को अगर ऐसे होता है ना कि मेरे पास मुझे कोई चीज़ किसी को देनी पड़ रही है तो मोर देन फीलिंग यू नो हैविंग दैट लैक ऑफ मनी वाला फेस I feel more proud that I am able to help anybody. More than lockdown, the major downfall for me when I came out of Big Boss. Okay. The darkest period of my life when I didn't have work. And my Big Boss money was over to take care of course family, and it is not about that my family is not rich, but it is like imagine if I am standing in a hospital, I won't ask my mother to give me the credit card or debit card. It's a child's responsibility. तो जैसे आप अपने दोस्तों को लेके जाओगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे अच्छा तू patient है पैसे हैं क्या. You understood? बिल्कुल बिल्कुल. So and when you are an earning member, तो आप चाहोगे कि अपने parents के लिए आप उतना तो कर सको. Yeah. And then. That time, that was, I think my COVID was when I came out of Big Boss. Not during the COVID, I was struggling or juggling with anything. I was just living a very happy life. That coming out of Big Boss, November 28th, I came out of Big Boss 2020. 27 December, my father met with an accident and after that for 1.5 years. Oh my God, what a period. Mujhe aate dal ka bhav pata chal gaya tha shayad. बहुत डिफिकल्ट था. बहुत डिफिकल्ट था. द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ डिप्रेशन. आई हैड सुसाइडल थॉट्स. ओह माय गॉड. द ओनली थिंग सेव्ड मी वॉज द लव ऑफ माई फैमिली आई बिलीव बिकॉज आई यूज टू फील लाइक इट विल जस्ट टेक सेकेंड्स फॉर मी टू डू एनीथिंग हार्मफुल टू मी. दे आर गोइंग टू क्राई फॉरएवर. उनका चेहरा देख के. एंड आई एम अ एनिमल लवर. आई हैव 10 dogs of my own, not stray dogs, of course, the breeded dogs. And I used to be like, agar main nahi rahi to inka kya hoga? Kyunki
हर माँ को लगता है कि मेरे से अच्छा बच्चा कोई नहीं पाल सकता, मेरा बच्चा सबसे अच्छा पलता है। तो मुझे ऐसे फील होता था कि इनको मेरे से अच्छा और कोई पाल ही नहीं सकता, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको टाइम पे जो मैं इनको फैसिलिटीज देती हूँ वो मिल भी पाएंगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में रहती थी, आई थिंक बुरा टाइम है निकल जाएगा, आई थिंक मस्ट बी माई कार्मिक टाइम दैट आई हैव टू पे दिस डेट, सो आई विल पे एंड आई थिंक इट पेड ऑफ नाइसली। बट उस टाइम पे फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे आपने हासिल की कि यू नो फैमिली के लिए भी खड़े रहना है? माय फैमिली यूज्ड टू हेल्प मी दैट टाइम, सो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड माय फैमिली। एज सून एज आई केम आउट ऑफ बिग बॉस, डैडी का ये हुआ, सो माय ऑल बिग बॉस मनी वेंट देयर। नाउ व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, सो आई वाज वर्किंग बट आई वाज नॉट वर्किंग कॉन्स्टेंटली। सी पवित्रा पूनिया इज नोन फॉर रियलिटी शोज, बट पवित्रा पूनिया इज नोन फॉर माय रेगुलर टेलीविजन वर्क। For an actor, being away from camera for 1.5 years, it's a risk also. It's a question mark. गायब हो गई क्या? So there is a saying in our industry where they say, वो तो गायब हो गई. हाँ. She's gone. वही है ना, दिखता है जो वही दिखता है. Right? हाँ. So I was like के collaborations तो आते हैं. I am able to have a ongoing process. So my family was there that time. So that time they used to send me the money. Right. But that did not give me the happiness. That was a burden to me. That how can I be in this situation, in this position where my family is helping me now? I have just come out of Big Boss. This is my peak time. What have I done to myself? And even after that calling off, something is not fitting well in my life. Some piece of the puzzle I have misplaced, that it is not in form. I did not have the guts to remove that piece. So as I said, I will always blame myself. And the life is progressing now. One thing in your journey apart from your work and all is your fitness and the way you present yourself. उसमें कितना इनपुट आपका रहता है? जब पवित्र पुनिया को हम देखते हैं सासी अवतार में प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, आपके कपड़े, आपके लुक्स, आपके बाल, एवरीथिंग। आई स्टॉप यू राइट देयर, आई टेल यू इन माय ऑल शोज, ऑल द आउटफिट्स दैट यू हैव सीन मी वेयरिंग आर डिसाइडेड बाय मी। ओह, आई डोंट हैव एनी डिजाइनर। अमेजिंग। आई एम द वन हु सेलेक्ट्स द डिजाइंस ऑफ माय ब्लाउजेस और माय एनी attire that I'm wearing, from designs to the fabric, everything. In fact, half of the time the tailors also ki udhar se banwana. Yes, everything. And also just FYI, during Nagmani for 1.5 years I have done that show. Every jewelry of mine was customized. So I have always Sia is a good jewelry maker in our television industry. She serves in Bollywood also. So I used to always send her the looks. It's like, this is what I want with this outfit. And she used to make sure to make that. So, and I see the reports that people actually became the fan of my look. So, yeah. वो जितना भी रहता है, वो सब मेरा ही रहता है. And I don't know, I am a... I think since childhood it's like that. My mother says ki jab bhi koi ghar pe mehman aata tha and you knew that somebody is coming at home today, so you used to go in my room, bedroom mein, and then jo dressing table hota tha mummy ka, I used to open that, remove the nail paint, sara aise aise nail paint lagati thi, ek badi si bindi idhar kahi side mein chipkati thi, aise puri lipstick lagati thi aur sar pe dupatta od ke bahar aati thi, and I used to ask them kaisi lag rahi hu main. How sweet. So I think the passion is there since I am a child. So I think I'm going to take all the credit on myself. You should of being itna mehnat ja raha to credit to aapke. Oh yes 100% sorry. You know, before wrapping up, when you look back at your career, what do you feel? Flashback mein kya nazar aata hai? Itne ups and downs ke bawajood, you have been in the industry and stayed relevant. What do you have to say? It's a long way to go.
I'm still running. So very long way to go. Because I know where I have to reach. And to reach my destination that I have thought for myself, I'm not even 25% on my way. I did not do anything till now, according to my caliber. Till now, I was just surviving. Till now, I was just establishing myself in Bombay and in this industry. I know I have established myself. I will run faster now. So, it's a long way to go. Yeah. I will take time. Yes. On that note, thank you so much, Pavitra, for doing this and joining us. And it was pleasure talking to you. I hope you enjoyed the interview. Yes, thank you. This four times.